दोस्तों राम राम। दोस्तों आज हम इस वाइंडिंग मशीन के द्वारा इस 14 प्लस 14 स्लॉट के पंखे को रिवाइंड करेंगे। अभी हमने नया मशीन लिया, पहला पंखा है जो हम रिवाइंड करने वाले हैं। 35 नंबर तार से हम पंखा रिवाइंड करेंगे। सबसे पहले तार को इस नली से पास करके यहाँ पे एक नमदा पत्ती है, इसमें थोड़ा ऑयल लगा लेंगे। इसमें भी वायर को इस रुई और इस प्लेट के बीच में से पास करना है। कई भाई रुई को काट लेते हैं, तो रुई को नहीं काटना है, रुई को एक तरफ कर देना और स्टील की प्लेट को एक तरफ करके हमें तार को यहाँ से पास करवाना है। इस मोती से पास करवा के हमारा तार यहाँ पे निकल आएगा। देखिए यहाँ पे अंदर इसके निकल आएगा। यहाँ से हमने दोनों सरिया की किसी भी तरफ तीन मोती लगे हुए हैं, तीनों मोती में से हमने तार को पास करवा लेना है। टर्नों की संख्या यहाँ से सेटिंग करेंगे। देखिए अभी 190 टर्न यहाँ पे सेट हैं, तो इसे हम बढ़ा देंगे। हम इस पंखे में 340 टर्न डालेंगे, तो देखिए हम 340 पे से सेट कर देंगे। देखिए 340 पे हमने सेट कर दिया है, रीसेट बटन दबा देंगे। हमारा मशीन पहली दफ़ा फॉरवर्ड में चलेगा, क्योंकि लाइट है जो वो ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब ये डबल मोड पे सेट है। एक बार मशीन फॉरवर्ड चलेगा, फिर रिवर्स चलेगा, फिर फॉरवर्ड चलेगा। और पहली बार हमारा फॉरवर्ड चलेगा, उसके बाद रिवर्स चलेगा। तो यहाँ से हम ये जो वायर गार्ड है इनका हम सेटिंग कर लेंगे। इस पंखे को हमारा 2 नंबर का डाई लगेगा। डाई सेट करना इस मशीन में बहुत आसान है। सिंगल नट को खोल करके आप डाई इसमें लगा सकते हैं। देखिए हाथ से हम तार को पंखे के अंदर डाल लेंगे। हमारा तार बिल्कुल सही जा रहा है। अब बटन दबा देंगे तो देखिए यहाँ पे हमारी वाइंडिंग होनी स्टार्ट हो गई है। देखिए एक राउंड हमारा एक कॉइल पूरा बन गया है। 340 पे हमारा मशीन रुक गया है। अब हम दूसरा कॉइल भरेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी मशीन रिवर्स चलेगी। एक ही बटन से ऑटोमेटिक हमें देखने की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड में कॉइल भरा उसके बाद दोबारा मशीन फॉरवर्ड चल जाएगी। हमेशा ऑटोमेटिक मशीन एक बार रिवर्स और एक बार फॉरवर्ड चलेगी। चालू करते हैं तो देखिए कॉइल हमारा कितना अच्छे से बन रहा है। मशीन की यही खूबसूरती है कि बहुत बढ़िया ये कॉइल बनाता है। ये मशीन लेकर आप अगर अनजान मिस्त्री भी हैं तो भी आसानी से आप पंखा भर सकते हैं। देखिए फाइनल हमने पूरा पंखा भर दिया है। 340 टर्न हमने इसमें दिए हैं और 35 नंबर का कॉपर वायर है। एक भी बार हमारा तार नहीं टूटा और कॉइल की सफाई आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसमें कॉइल हमारा बना है। तो क्योंकि कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं था, इसलिए हम अकेले एक दो कॉइल आपको दिखा दिए बनाते हुए, और उसके बाद पूरा पंखा वाइंड करके बाद हम आपको दिखा रहे हैं। कोई इसमें वाइंडिंग करने में कोई 1% भी परेशानी नहीं होता है, ये बात आप जान सकते हैं। अब हम इसके ऊपर के ढक्कन लगाकर, ऊपर के पेपर डालकर इसकी रनिंग वाइंडिंग इसी मशीन के द्वारा करके दिखाते हैं। अंदर में पेपर डालने के बाद इसके हम बाहर में पेपर डाल देंगे। उसके बाद 360 टर्न 35 नंबर से इसमें देंगे तो 360 हमने यहाँ पे फीड कर दिया है। यहाँ पे रीसेट बटन दबाएंगे, एक दो बार हाथ से तार इसमें घुमा के देखेंगे और मशीन को हम चालू कर देंगे। तो ये देखिए हमारा कॉइल है जो मशीन में बन रहा है, बहुत बढ़िया से बन रहा है ये, और बिल्कुल इसमें बढ़िया कॉइल बनेगा। ऐसे हाथ से थोड़ा आप सेटिंग कर सकते हैं कॉइल का, क्योंकि जितना हाथ से आप ऐसे इसमें सेटिंग करेंगे तो कॉइल में सफाई आएगा उतना। तो देखिए एक कॉइल बन गया है, तो अभी दूसरा कॉइल बनाते हैं। देखिए दूसरे कॉइल पे सेटिंग कर दिया है, मशीन को चालू करेंगे। हमारा दूसरा कॉइल भी मशीन ने बिल्कुल यहाँ पे देखिए कंप्लीट कर दिया है। 360 टर्न पूरे जाते हैं इसमें, एक भी टर्न हमारी मशीन ज़्यादा नहीं देती। और इसे 14 प्लस 14 स्लॉट के पंखे में बाहर में हमारा 5 नंबर का डाई लगता है। डाई सिस्टम इस मशीन में बेहतरीन है, अल्मूनियम और कॉपर दोनों को सपोर्ट करती है। उसके बाद में हम पूरा पंखा वाइंड करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए पूरा पंखा हमारा कंप्लीटली वाइंडिंग हो गया है, कोई भी इसमें ज्वाइंट नहीं है। आप कॉइल में गैप भी देख सकते हैं, बहुत बढ़िया गैप है कॉइल में, क्योंकि 360 टर्न 35 नंबर से दिए हैं, फिर भी कॉइल में बहुत बढ़िया गैप है, कोई भी ज्वाइंट नहीं है।
कोई भी तार पंखे से बाहर नहीं है, आप देख सकते हैं। तो फाइनली इस मशीन से हमारा कॉपर और अल्यूमिनियम का वेंडिंग कर सकते हैं। तो पूरे भारत में इन नंबरों पर संपर्क करके आप इस मशीन को कैश ऑन डिलीवरी में ले सकते हैं, मशीन को बुक कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आपके पास मशीन आती है आप पैसा देकर मशीन ले सकते हैं। और बहुत बढ़िया मशीन है, हम खुद यूज़ करते हैं। देखिए अभी पंखा हमने वाइंडिंग किया है, और पहले भी इस कंपनी का मशीन मैं यूज़ कर चुका हूँ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।